महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार पर तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, बीते दिनों अजीत पवार ने महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को लेकर शिंदे फडणवीस पर निशाना साधा था। अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि शिंदे फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। हमें लगता है सीएम से कैबिनेट विस्तार और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंत्री नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। राज्य में भारी बारिश और किसानों के मुद्दे सिर उठा रहे हैं, लेकिन जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाएगी तब तक सरकार में कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। अजीत पवार के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अजीत पवार विपक्ष के नेता हैं, उन्हें ये सब कहना ही पड़ेगा। अजीत पवार अपनी मर्जी से भूल जाते हैं कि जब वो सरकार में थे तब पहले 32 दिन सिर्फ 5 मंत्री ही थे। आपको बता दें, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को वो वक्त याद दिला दिया जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी। सीधे तौर पर फडणवीस ने कहा, कैबिनेट विस्तार से सुप्रीम कोर्ट के केस का कोई लेना देना नहीं है। अजीत पवार के कैबिनेट विस्तार में देरी के आरोपों पर देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया और अजीत पवार को बीता हुआ वक्त ना भूलने की नसीहत दी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।